नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। सबसे पहले रणभूमि के सभी दर्शकों को नया साल मुबारक हो। नया साल आ चुका है और नए साल में हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि ये आपके लिए खुशियों भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं रणभूमि और रणभूमि के शब्द की बात करेंगे। आज रणभूमि का शब्द है नया साल नया विवाद। दरअसल अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव हुए और बीजेपी और कांग्रेस का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, यानी यूं कहें कि बेहतर प्रदर्शन नहीं किया दोनों दलों ने। बीजेपी चिंतन कर रही है कि कामयाबी क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो सत्ताधारी दल है, लेकिन कांग्रेस को नए साल में नई एंट्री नया विवाद शुरू हो गया। यानी नए साल में एंट्री हो गई है लेकिन नया विवाद शुरू हो गया कांग्रेस के अंदर, और वो है हुड्डा को न्योता नहीं मिलना। दरअसल कांग्रेस सिर्फ सोनीपत में मेयर का चुनाव जीती है, यह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन हुड्डा ने अंबाला और पंचकुला में प्रचार नहीं किया। उसके पीछे उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें न्योता नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इतने बड़े नेता को न्योता देने की क्या जरूरत है। वहीं खुद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा बोल रही हैं कि सभी को न्योता दिया गया, यानी नया साल नया विवाद कांग्रेस के लिए लेकर आया। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कांग्रेस में कलह का वही हाल, नए साल में नया बवाल, हुड्डा को न्योते पर छिड़ा वाक युद्ध। हरियाणा कांग्रेस में आखिर कितने गुट, क्या फिर होंगे एकजुट, क्या कलह का बीजेपी उठा पाएगी फायदा। कांग्रेस पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ी लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, बल्कि उसकी कलह सामने आ गई। भूपेंद्र हुड्डा निकाय चुनाव में अंबाला और पंचकुला नहीं गए तो उस पर घमासान शुरू हो गया है। हुड्डा ने प्रचार के लिए न्योता नहीं मिलने पर सवाल उठाए तो कई कांग्रेसी नेताओं ने पलटवार कर दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कोई निमंत्रण देने की जरूरत है, पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक है, उनको स्वयं जाना चाहिए था। ये तो एक प्रदेश की तरफ से सबको निमंत्रण था। और जहाँ तक गुटबंदी का सवाल है, मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस एक है और कांग्रेस आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल एक नजर आएगी। वहीं विवाद बढ़ता देख खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी को न्योता दिया गया था और कोई कहीं भी जा सकता था। देखिए, कुछ नेता कुछ भी बयान कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कहें। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर चुनाव लड़ रही थी, नीचे जमीन पर सबको साथ लिया गया, सबने काम किया। हाँ, कुछ नेताओं की ये हो सकता है कि मेरे जैसा कहीं और जा सकता था या और बड़े नेता कहीं और जा सकते थे, तो हम तो कहीं भी जा भी सकते थे, उसमें कोई वो ना किसी को रोक है, सबको निमंत्रण था। दरअसल निगम चुनावों में कांग्रेस सिर्फ सोनीपत में ही जीत हासिल कर पाई। ऐसे में हुड्डा ने कहा था कि पार्टी ने उन्हें प्रचार के लिए न्योता ही नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं गया, ये बात ठीक है कि मेरे को बुलाया नहीं, बुलाते तो मैं जरूर आता। खैर, नया साल शुरू हो चुका है और बीजेपी अभी घिरी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के पास अपने आप को मजबूत करने का मौका है, लेकिन उसकी कलह उसके लिए परेशानी बन रही है। ऐसे में इसका फायदा क्या बीजेपी उठा पाएगी। विनोद लांबा के साथ राज टाकिया, जी मीडिया। तो नया साल कांग्रेस में नया विवाद, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दे दो खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय सिंगला हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों मेहमानों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं अजय सिंगला जी आपसे ही करना चाहूंगा। सिंगला साहब, नया साल और कांग्रेस में नया विवाद, अंदरूनी कलह जो आपकी पहले से ही कमजोरी रही है, वह नए साल में पहले दिन ही उभर कर सामने आ गई। सर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको जी। और आपके जो ये चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों को, आपके स्टाफ को। दूसरा, विवाद नहीं है जी। एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हक है। भाजपा की तरह वन मैन शो नहीं है, जहां पर ना भाजपा संगठन में किसी को कुछ कहने की इस समय हिम्मत है, ना सरकार में। और बाकी मैं तो एक बात कहूंगा, मैं एक प्रवक्ता हूं, बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। बयान
नहीं देने चाहिए इस प्रकार के, क्योंकि हुड्डा साहब ऐसे नेता हैं जिनको बुलाने की जरूरत नहीं, वो तो खुद बुलाएंगे हम जैसों को या और कार्यकर्ताओं की, आओ, खुद एक पावर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस में उनका बहुत ऊंचा कद है, तो इसलिए कोई कलह कोई विवाद की बात नहीं है। उन्होंने किस संदर्भ में क्या ये बात कहनी चाहिए, उसका क्या रिजल्ट है, यानी पार्टी उनको दरकिनार तो नहीं कर रही है, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। हुड्डा साहब का पार्टी में एक बहुत बड़ा कद है, क्या हुड्डा साहब को बुलाने की जरूरत है या उनको कैसे दरकिनार किया जा सकता है? एक सर्कुलर आम था, सब गए, सबने सब जगह मिलजुल के लिया, हो सकता है वो क्यों नहीं आए, कोई क्या कारण रहे, ये मानेंगे, ये मानेंगे अजय सिंगला साहब, हुड्डा साहब अगर पंचकुला और अगर अंबाला जाते तो उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता था, फिर ये मान लीजिए अगर वो नहीं गए तो नुकसान तो हुआ हो ना थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लीडर हैं, दो बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। ये स्पष्ट बात है कि वो लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस में उनका ऊंचा कद है, लेकिन मैडम शैलजा जी ने, हमारी अध्यक्षा ने, इस समय कांग्रेस में पूरी जान फूकी हुई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ऐन लड़ाई है, और इस चुनाव में कांग्रेस एक अच्छी बाहर निकल कर आई है, एक सोनीपत की जीत कांग्रेस ने जीती है, और पंचकुला में भी हमने बहुत अच्छी फाइट दी है, ऐसी बात नहीं, अंबाला जरूर हम लोग पिछड़े हैं, ठीक है, चुनाव है, जनता का जो मानेंगे ना, अगर जाते तो फायदा होता, राजनीति में अगर मगर नहीं होता, राजनीति में जो परिणाम आ गया वो आ गया। अब ऐसे तो हमने अगर विश्लेषण तो होता है ना सर, विश्लेषण तो होता है, पहली बार सिंबल पर लड़े, बीजेपी गिरी पड़ी थी, मौका था, वो मौका भी आपने गवा दिया, अब बीजेपी देखे वंदना पोपली जी क्या चुटकी लेंगे आप पर थोड़ी देर बाद। नहीं, चुटकी तो खैर कोई किसी पर भी ले सकता है, हम नहीं रोक सकते, लेकिन कांग्रेस में विवाद वाली बात कोई नहीं है, कांग्रेस का संगठन सर अभी विवाद ही दिख रहा है, नया साला नया विवाद दिख रहा है। वंदना पोपली जी का एक रिएक्शन लेता हूँ, वंदना जी थोड़ी बहुत तो राहत मिली होगी क्योंकि आप लोग तो घिरे हुए हैं, अभी नगर निगम में इतनी पुअर परफॉर्मेंस रही बीजेपी की कि आप लोग तो चिंतन मंथन से उभर नहीं पा रहे, नया साल भी पता नहीं फीका ही रहा होगा, आपकी पार्टी का जश्न जो है फीका ही रह गया हुआ, किसानों पर आप घिरे हुए हैं तो थोड़ा सुकून मिल गया कि कांग्रेस की कलह आ गई सामने, ठीक है। देखिए सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और जहां तक सुकून की बात है, सुकून जो है वो जनता के काम करके मिलता है, और जनता के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो वहां पर सुकून मिलता है। वंदना जी, और हमारी कोशिश है, वंदना जी अगर आप काम करते, सुकून लेते, जनता के लिए काम करते तो आपका हाल ये नहीं होता, एक एक मेयर जीता आपका, हमने परिषद भी जीती है, लेकिन आप मेयर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता देती हूँ आपको, हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हुड्डा जी के बयान की आप बात कर रहे हैं, मैंने उनका जब बयान को सुना और मैंने बाकी लोगों के बयान भी जब सुने, तो मैंने जो निष्कर्ष पे निकली, तो कहीं ना कहीं दो निष्कर्ष मेरे सामने निकल कर आए। सबसे पहले वो कह रहे हैं हुड्डा जी कि उम्मीदवारों ने मुझे बुलाया नहीं, सही कह रहे होंगे। अब हो सकता है जो प्रत्याशी है उनको लगा होगा कि हुड्डा जी की छवि ऐसी है, कहीं उनके आने से हम हार ना जाए, हो सकता है इसलिए नहीं बुलाया उन्होंने, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई कलह वाली बात नहीं है, सिर्फ टोटे की लड़ाई है कि आपस में किस पे डाल दिया जाए, कि हार का ठीकड़ा किस पे फोड़ दिया जाए। अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपने उनको कहा कि क्या अगर वो आते, अगर मगर की जो आप वो कह रहे कि अगर मगर से कुछ नहीं होता, क्या हुड्डा जी आते तो नुकसान होता या नहीं होता, तो वो अभी भी इस चीज को नहीं मान रहे कि आने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे कहीं से दिखता नहीं कि फायदा होता, प्रत्याशी इस चीज को समझते थे इसलिए उन्होंने इन्वाइट ही नहीं किया। एक बहुत बड़ा कंक्लूजन भी निकल कर आया कि जिस चीज का हम बार बार बोलते थे कि क्षेत्रवाद, कहीं ना कहीं हुड्डा जी ने अपने आप को कुछ एक एरिया में कंसंट्रेटेड दिखा दिया और ये बता दिया बाकी हरियाणा से उनका कोई भी मतलब नहीं है, इवन अपनी पार्टी में भी बाकी एरिया से कोई मतलब नहीं है, जनता की तो बात दूर है। तो क्षेत्रवाद के जो हम लगातार बोलते रहे थे, प्रूव भी होते रहे हैं, आज एक बार फिर प्रूव हो गया कि उनको पंचकुला में अंबाला। वंदना जी इसमें अब आप कोई फायदा देख रही है नहीं देख रही? देखिए, जब विपक्षी, जब विरोधी अगर कमजोर हो और अंदरूनी कलह हो तो उसका फायदा सामने वाला उठाता है। कुछ उठा पाओगे या ऐसे आप भी बराबर हारते रहोगे जैसा हो रहा है आपके साथ? बड़ौदा में हो गया, नगर निगम चुनावों में हो गया। देखिए, जहां तक फायदे की बात है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस औंधे मुंह पड़ी है, और सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि एक बड़ी बात है कि इनकी विचारधारा नहीं है।
जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए इन्होंने कोशिश की हो कि किसी तरह से लोगों को बरगला लें, जैसे आपने किसान आंदोलन के समय में भी देखा, और कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की भी बड़ौदा में बात की, मैं तुम्हारा तुम मेरे इस तरह बात करके हो सकता है वो सीट निकाल कर ले गए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी लड़ाई से हमें कोई फायदा है। हमें फायदा सिर्फ अपने काम से मिलेगा और वो हम काम लगातार कर रहे हैं, जनता तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। इनकी कला आज की तो है नहीं, पहले भी ऐसा होता है। आज शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष है, पहले अशोक तंवर थे, सिर्फ फुटोवल होती रही थी, आखिर में जाके लड़ाई होते होते सिर्फ उठ गए थे, अभी भी पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो जनता इनका जो सही चेहरा है वो देख चुकी है, उनको मालूम है, इनको जनता से मतलब नहीं। मैं आऊंगा वंदना जी। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो के। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस की कल है नया साल नया विवाद, कांग्रेस इनेलो कैसे देख रही है और इनेलो क्या अपना फायदा भी देखती है कि इसमें कुछ फायदा हो पाएगा, क्योंकि अगर विरोधी दलों में लड़ाई होती है उसका फायदा दूसरे दल उठाते हैं। ओंकार जी मेरा सवाल सुन पाए आप? लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अजय सिंगला जी एक बड़ा सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है हुड्डा साहब ने कहीं दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रचार नहीं किया हो? क्योंकि अंबाला में भी ऐसे लोग हैं, उनके बहुत जानने वाले हैं, कुछ पुराने साथी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया? ये आपका विश्लेषण हो सकता है, कांग्रेस पार्टी इस चीज को नहीं मानती। दूसरा, वंदना जी ने अभी बहुत अच्छी बात की है कि कांग्रेस औंधे मुंह पड़ी है। पता नहीं ये क्या सोच के बोल देते हैं, क्या इनका तरीका है सोचने का। अब की बार 70 पार रह गए 40 पे, अब की बार यमुना पार और कुर्सी के लिए बन गए दोनों यार। इस समय हरियाणा में भाजपा अल्पमत में है और इनमें हिम्मत नहीं पड़ रही सेशन बुलाने की, और आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट बयान दे चुके हैं कि हरियाणा में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, उनका बयान है। वंदना जी पढ़ के आया कीजिए अपने नेताओं के बयानों को, कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। इनके नेताओं को बाहर निकलने के लिए सीआईडी ने गाइडलाइन जारी की है कि बाहर मत निकलो, घरों के दरवाजे बंद करके बैठो, पुलिस अगर निकलना है तो पुलिस के संरक्षण में निकलो। आप कांग्रेस को कमजोर कह रहे हैं, आपका तो सूपड़ा साफ हो गया। हरियाणा में 7 में से 2 में आए हैं आप, और 3 जो उकलाना सांपला और ये तीसरी आपकी धारूहेड़ा, यहाँ पे आप समझौते हुए जो लड़े थे, तीनों नगर पालिकाएं हार गए आप, सोनीपत हार गए आप, अंबाला हार गए आप, पंचकुला में भी बहुत कम वोटों से आप जीते हैं और हम लोग जीत के बिल्कुल कगार पे, रेवाड़ी की बात मैं जरूर करता हूँ, पार्षद हमारे जीत के आए हैं, और आप कहते हैं कांग्रेस कमजोर हो रही है। अरे आपको तो 40 पे ले दिया कांग्रेस ने, और आज इलेक्शन करवा लो अगर सुपड़ा ना साफ हो जाए आपका। आप कहते हैं कांग्रेस कमजोर हो रही है। ठीक है वंदना जी, काउंटर करिए जल्दी से, फिर एक रिएक्शन ओंकार सिंह जी का भी लूंगा मैं। वंदना जी कहिएगा। देखिए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। शायद वो समय भूल गए जब हुड्डा जी गए थे रोहतक में और लोगों ने मुंह पे दरवाजे बंद किए थे। और वर्तमान में रहिए वंदना जी, वर्तमान में रहिए। हुड्डा जी पास्ट था, भूतकाल था, आप वर्तमान में रहिए कि हो क्या रहा है। आपके शैलजा जी क्या प्रवक्ता यहाँ पे पास वर्तमान में कहने के लिए कुछ नहीं है। किसान मजदूर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपने बात करनी है तो मैं छोड़ देती हूँ डिबेट, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में बोली, मैंने अपनी फिंगर रेज की थी। अगर आपको लगता है लिख के रखिए, फिर बाद में बोलिएगा। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट लगता है कि जरूरी बोलना है तो बीच में मत बोलिए। बाहर अगर आप कहते हैं कि वो समय आप भूल गए, ज्यादा समय नहीं हुआ था जब आपको आपके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, और यहाँ पर आप सारे एरियाज गिनवा रहे हैं। आप खुद कहाँ पर खड़े हैं अपना तो देखिए। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेवाड़ी को छोड़ दीजिए, बाकी पंचकुला को छोड़ दीजिए। आप कहाँ खुद कहाँ पर खड़े हैं उसका जवाब देना चाहिए। रेवाड़ी के आप कह रहे हैं पार्षद आप क्या है? आप पार्षदों के लिए आपने सिंबल दिए थे? सिंबल आपने दिए नहीं और पार्षद आपके हो गए जो निर्दलीय जीते। लेकिन वंदना जी बात यह है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह है, क्या बीजेपी फायदा उठाएगी? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम निगम पर चर्चा करेंगे तो मैडम आपका बहुत बुरा हाल हुआ। मुझे तो हैरानी है कि आप ऐसे ऐसे राज्यों में जाकर चुनाव जीत रहे हैं जहां आपका कोई वजूद नहीं है, खासकर शहर की सरकारों में, और आप यहां बीजेपी और जेजेपी मिलकर लड़ती है तो आपका बुरा हश्र होता है। वो छोड़ दीजिए, एक रिएक्शन में ओंकार सिंह जी से ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ओंकार जी,
कांग्रेस की जो कल है नया साल नया विवाद, कैसे देखती है नैलो? जी सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को देश और प्रदेश वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल आपको और भी सर। जितने नगर निकाय के चुनाव हुए इन सब में जो विजयी कैंडिडेट हुए उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जनहित में हमेशा अच्छा काम करते रहेंगे। अब जहां तक फायदे और नुकसान की बात है, इनेलो हमेशा जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, किसान से जुड़ी हुई पार्टी है। हम फायदे नुकसान की बात नहीं करते, हम हमेशा किसान के साथ खड़े हैं। आज बहुत शर्म की बात है कि बीजेपी की मैं प्रवक्ता वंदना पोपली जी को सुन रहा था, इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि देश का किसान सड़कों के ऊपर है और ये अपनी बातें हाँकने पे लगे, वही दो टूक जवाब इनके पास आ जाता है। और किसान आंदोलन का इनको जो बहुत भारी खमियाजा है भुगतना पड़ा है, अभी भी आग इनकी खुली नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस राजा को कैसे नींद आती होगी जिस राजा की प्रजा जीटी और सड़कों के ऊपर बैठी है और हड्डियां गलाने में। मैं कहता हूँ बीजेपी की वंदना पोपली जी से हाथ जोड़ के बेनती है, आज रात एक घंटे के लिए अपने मकान की छत पर जाकर बैठे हैं। चलिए ठीक है। अजय सिंगला साहब एक सवाल, आप कहते हैं कि हम मजबूत हैं, वो उनका फोन कट गया ओंकार सिंह जी का, जैसे जोड़ेंगे हम चढ़े। आप कह रहे हैं कि हमने वाकई में मजबूत है कांग्रेस, आपको नहीं लगता कि जब 2019 के नतीजे आए थे तो हुड्डा साहब ने कहा था, मुझे आज भी याद है, कि काश हमें इतना पता होता तो हम और ताकत से लड़ते। तो सर यही तो स्थिति है ना, आप इसीलिए तो कमजोर हैं क्योंकि आप लोगों में गुटबाजी है, एक शैलजा गुट है, एक सुरजेवाला गुट है, एक हुड्डा गुट है। अगर पार्टी आपकी एकजुट रहे तो आप हरियाणा में अब तक वनवास में नहीं रहते, आप वनवास खत्म हो जाता आपका 5 साल बाद ही, ये तो मानिए सर। आपका आंकलन इसको गुटबाजी कहता है, हमारा आंकलन कहता है अपने अपने ढंग से कांग्रेस को मजबूत करने में लगे। कांग्रेस मजबूत है पहले से बहुत ज्यादा। रिपोर्ट सुनी जो हमने चलाई शुरू में, रिपोर्ट सुनी आपने? क्या मतलब? हमने जो रिपोर्ट दिखाई अभी कल है पर आपकी, वो आपने सुनी? मैंने सुनी, हुड्डा साहब का बयान सुनाया था, हुड्डा साहब का बयान सुना, फिर आपके बाकी नेताओं का बयान सुना, तो फिर आपको नहीं लग रहा ये कल है? वो कहते हैं हमें न्योता नहीं दिया, ये नुकसान है, आपको नहीं लगता है कि वाकई में आपके हाईकमान को, आपके बड़े लीडरों को बैठकर कांग्रेस की कलह को खत्म करना चाहिए? मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मीडिया से, आपसे भी, कि कांग्रेस में ना कोई कलह है, आप आज चुनाव करवा लीजिए, कलह तो सबको पता चल जाएगी किसमें है। इस टाइम कलह हरियाणा सरकार में है, स्पष्ट बात बताऊं, बिल्कुल अल्पमत में है और ये बिल्कुल सेशन बना ले, सरकार गिर जाएगी, जजपा के एमएलए घर बैठे हैं, भाजपा के अनेक नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता विरोध में बैठे हैं, इनके एमपी विरोध में बैठे हैं, इनके एमएलए विरोध में बैठे हैं, अंतः कलह तो भाजपा में है। अच्छा एक बात बताइए, इस चुनाव में हारा कौन? वंदना जी अगर आपके अंदर स्पष्ट कहने की एक हिम्मत है, या आप भी हमारे जो भी मीडिया वाले हमारे दोस्त सर, मैं कह रहा हूं अजय सिंगला जी, इनका बहुत बुरा हाल हुआ, आप मुझसे अगर सुनना चाहते हैं, क्योंकि इनके माना जाता है कि बीजेपी तो शहर में मजबूत रहती है, ये तो सत्ताधारी दल होते हुए जेजेपी का साथ लेते हुए जेजेपी को तो जनता ने पूरी तरह ही नकार दिया, बावजूद इनका परफॉर्मेंस मेरी नजर में अगर आप मीडिया के आकलन से देखते तो शून्य है। जेजेपी को नहीं नकारा भाजपा और जेजेपी को, सरकार को नकारा, ठीक है, यही तो विश्लेषण है। वंदना जी एक रिएक्शन दीजिए आप, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कल है तो सरकार में। देखिए कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है, तो यही हाल कुछ अजय सिंगला जी का भी है। अभी मैं बिल्कुल ठीक बात है, यही हाल है आपका। आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगी, आप बड़े भाई हैं, आपको बोलना है। कांग्रेस मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। मैं बताती हूँ क्या मजबूती है, मैं बताती हूँ। आपने अभी कहा कि जितने भी कांग्रेस के हमारे आप गुटों का नाम ले रहे हैं, चाहे आप सुरजेवाला गुट का नाम ले लीजिए, कैप्टन अजय गुट ले लीजिए, चाहे आप हुडा गुट शैलजा गुट ले रहे हैं, वो सभी मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो कैसे मजबूत करते हैं ये आप उनके स्टेटमेंट से देख सकते हैं। मैं रेवाड़ी से आती हूँ, कैप्टन अजय यादव लगातार सिर्फ हुडा जी पे आरोप लगाते रहे, किसके? भ्रष्टाचार के। आपके ही नेता आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लगाते हैं और कहां पर? मीडिया के सामने आता चैनल्स पे बैठकर। ये मजबूती आप दे रहे हैं कांग्रेस को, तो आप कृपया करके, मैंने सही कहा कि सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है, आपको कलह जो आपकी अपनी पार्टी के अंदर है वो तो आप बोल देते हैं मजबूती है, और दूसरे के जो मिलकर जो काम कर रहे हैं उनको आप कहते हैं कि उनकी कलह दिखाई दे रही है।
तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जो सत्ता की आपकी भूख है वो खत्म होने वाली नहीं है। आप आपस में ही लड़ते रहेंगे, जनता के लिए आपने कुछ नहीं करना है। जो भी करेगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, बहुत अच्छे से करेगी। आपने जितना भड़काना है भड़का लीजिए, आप किसानों को भड़काइए, किसी को भी भड़काइए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपकी पार्टी। वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, आप अगर ऐसा मानती है, नहीं नहीं आप मानती हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में ही हालत खराब है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आपने सुना भी कि ये तो सरकार में ही खुद अंदरू निकल है, लेकिन आपको नहीं लगता? ये तो मीडिया कवरेज है प्रतिदिन की, डेली मीडिया में आ रहा है कि इसमें भाजपा में सरकार में बहुत बारी अंतःकलेश है, बहुत बारी विरोध है। आप ही दिखा रहे हैं, चैनल दिखा रहे हैं, प्रिंट मीडिया दिखा रहा है। लेकिन लेकिन वंदना जी, आपको नहीं लग रहा कि वाकई में निगम में जो परफॉर्मेंस रही, आप खुद आंकलन करिए, आपको नहीं लग रहा कि निगम में जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर होनी चाहिए थी, अच्छी नहीं रही, ये आपको मानना पड़ेगा? देखिए, ये दूसरा विषय है जो आप कह रहे हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, लेकिन ये नहीं, यही तो कह रहे हैं ना, अगर कांग्रेस में कलह होने के बाद आप फायदा नहीं उठा पाए, अगर आप एक तरफ कांग्रेस की कलह गिना रहे हैं और कांग्रेस का हम मुद्दा भी उठा रहे हैं कि कांग्रेस में कलह, फिर भी वंदना जी बीजेपी फायदा नहीं उठा पाई, ये तो हैरानगी है। मेरी पार्टी, आपने तो मेरी पार्टी की विचारधारा पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हम किसी कलह की वजह से सामने नहीं आए हैं, जनता ने हमारी विचारधारा में विश्वास दिलाया और एक बार नहीं दोबारा फिर से हम बहुत अच्छे नंबर से जीत कर आए हैं, चाहे देश में है चाहे प्रदेश में है। तो हो सकता है कि आज ही अपनी तरफ से कुछ चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हो, बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमारे किसी नेता का ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है। ये कहते हैं कि उनके नेता जो है मीडिया कवरेज हो रही है, मीडिया कवरेज में नेताओं के कौन से बयान आ रहे हैं वो बताइए ना, कि जिसमें हम कह रहे हो कि आपस में लड़ाई हो रही है, इसने हमें इनवाइट नहीं किया। वंदना जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप होमवर्क करके आना आगे से, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने नहीं कहा कि किसान ठीक है सरकार गलत है? क्या आदरणीय धनखड़ जी ने, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप कह रहे हैं मीडिया खबरें कहाँ हैं, आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए, एक तो आपने मेरी बात काटी, दूसरी बात आप गलत बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ, हम भी कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा मैं किसानों के साथ हूँ, हम भी यही कहते हैं किसानों के साथ है, क्या गलत कह दिया उन्होंने? वो कह रहे किसानों की बात मानो, अंतक्रिया क्या होता है? आप कहते हैं किसानों की बात नहीं माननी, वो कह रहे हैं किसानों की बात मानो। जेजेपी का शेष नेतृत्व कह चुका है कि एमएसपी का कानून बनाओ, धन आदरणीय आपके प्रधान जी ने एमपीस की एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा इसमें संशोधन होने चाहिए, यानी कि कानून गलत है। अंतःक्रिया किसको कहते हैं आप? सरकार के खिलाफ अगर आप बोलते हो तो उसी को अंतःक्रिया, जजपा के एमएलए खिलाफ बोल रहे हैं, अंतःक्रिया होता है। सुन लीजिए, आपने मुझे अभी का होमवर्क करके आइएगा, पर मुझे लगता है कि आपको बेसिक जानकारी भी नहीं है। होमवर्क जितना कर लोगे वो तब भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, तभी तो आपको 40 पे ले आई कांग्रेस, जो कांग्रेस को कोई जानकारी नहीं है, संशोधन होने चाहिए, सरकार चला रहे हैं। आपने कोई संशोधन नहीं किए, किसी कानून में कोई संशोधन नहीं किया, तो क्या वो पूरे कानून गलत हो गए? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आपने कानून गलत बनाए, आप मान रहे हो कानून गलत बनाए, अब तो मान रहे हो आप? तो कानून बिल्कुल ठीक बनी है, प्रधानमंत्री जी उसमें बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं संशोधन करेंगे। ठीक है, आपकी बात हो गई। एक सेकंड, मैं ओंकार सिंह जी को भी जोड़ देता हूँ एक बार। ओंकार जी, देखिए कांग्रेस में कलह है ये दिख रहा है, कई गुट है, और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी में खुद कलह है, जेजेपी साथ नहीं है, आपसी कलह इनमें दिख रही है, किसानों के मसले पर गिर रही है। तो सर आप इनेलो, क्योंकि इनेलो ने तो यहाँ हुकूमत की हरियाणा में, आपके तो मुख्यमंत्री भी रहे, और इनेलो अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कुछ फायदा उठा पाएंगे इनकी आपसी लड़ाई, इनकी खींचतान, या जिस तरह सरकार घिर रही है, इनेलो कहीं फायदा उठा पा रही है, या इनेलो कुछ मजबूत हो पाएगी? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की फूट के कारण ही बीजेपी को मौका मिल रहा है, और हमारे तो पोजीशन ऐसे कि हम फायदे नुकसान की बात नहीं करते, हम हमेशा किसान के साथ खड़े हैं, जमीन की जुड़ी हुई पार्टी हमारी, और सत्ता हमारे पास रही है सिर्फ सेवा करने के लिए। हम कोई सत्ता के लालची लोग, हम सेवा के लालची लोग हैं, जनता की सेवा के लिए। हर नेता ये कहता है, दोनों पार्टियां आपस में घिरी हुई है, और फिर भी हम जनता की सेवा में लगे। आज हमने अगर चुनाव का बहिष्कार किया तो सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के लिए। अरे आप लड़ लेते ना ओंकार जी, लड़ लेते, पता चल जाता आप कितने पानी में, क्योंकि आप तो सेवा के लिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल हाँ, तो पता चल जाता
कि आप जनता की सेवा कर रहे हैं और सेवा में आपको मिला क्या जनता की तरफ से? अच्छा, सरकार की नीयत और नीति ये थी कि इस वक्त चुनाव लाए जाए ताकि किसान आंदोलन को कमजोर किया जाए, और इन्होंने पंचायत के चुनाव भी इस वक्त लाने की योजना बनाई ताकि पंचायत तो ठीक है ना, अगर लोग नाराज होंगे तो उनको इनका बुरा आश्रय हो ही जाएगा, किसान के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े। चलिए चलिए, मैं माफी के साथ, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अजय सिंगला जी आपका भी, वंदना जी आपका भी, और ओंकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नया साल नया विवाद इसलिए देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह, और मानिए अगर कांग्रेस में अंदरूनी कलह ना होती तो उसका फायदा शायद 2019 में उसको मिल जाता, लेकिन अभी भी नुकसान नगर निगम में भी यही हुआ कि कांग्रेस की कलह, जो आपने रिपोर्ट देखी। रणभूमि में आज के लिए बस इतना, कल फिर हाजिर हो एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।